एजेंडा जो अपना दिया हुआ है कि आप ये कानून वापस लीजिए, आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए, जो बिजली के बिल है वो उनको कम कीजिए, और जो पराली जलाने पर फाइन्स लगे हुए हैं उस कानून में भी कुछ संशोधन कीजिए। ये चार पॉइंट का एजेंडा लेके किसान शुरुआत से चल रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि सरकार क्या कहती है। काफी अलग अलग पॉलिटिकल साइड से भी उस किसानों को समर्थन मिल ही रहा है। हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कल यहाँ आए थे, आज अभय चौटाला जो है हरियाणा के, वो आपसे समझना चाहेंगे चूंकि आप लगातार किसानों से वहां पर बात भी कर रही है, उनके बीच ही आप मौजूद है। ये बताइए 33वां दिन और डे वन से हम यही सुन रहे हैं, आज भी हम यही सुन रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि पहले कृषि कानून तीनों वापस लिया जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो बात तो वही की वही है, डेडलॉक वैसा का वैसा बरकरार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, डेडलॉक जो है शुरुआत से बरकरार है। 5 राउंड बातों के हो चुके हैं, टॉक्स के हो चुके हैं, और हर बारी किसान यही कहते हैं कि आप ये कानून वापस लीजिए। याद रखिएगा 5 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो चिट्ठी भेजी गई थी सरकार की तरफ से, सरकार ने भी मान लिया था कि इन कानूनों में काफी कुछ सुधार की जरूरत है, संशोधनों की जरूरत है, और इसीलिए किसान अभी भी इसी बात पर अपनी डटे हुए हैं कि जब सरकार ये मान चुकी है कि इन कानूनों में गड़बड़ियां हैं, इन कानूनों में संशोधनों की जरूरत है, खासतौर से जब ये प्राइवेट मंडियों के रेगुलेशन को लेकर, उनके टैक्सेशन को लेकर, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी जरूरत है संशोधन की। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो उस पर खासतौर से किसान काफी परेशान है कि क्योंकि उसके संशोधन की बात अभी तक सरकार ने कुछ नहीं मानी है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो सिर्फ दाल और सिर्फ धान और गेहूं के अलावा भी काफी अलग अलग कमोडिटीज को सरकार थोड़ी प्रोटेक्शन दे, ये सब यही चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात में कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल, चलिए तो इंतजार इसका करना पड़ेगा। निशा आप भी आगे बने रहे, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। संजय राउत की पत्नी को